पेज नंबर सिक्स पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, पेज नंबर फोर पे सॉरी सिक्स पॉइंट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज, अंडरलाइन करो, सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंपनी इन द ग्रुप टू अनदर एट अ प्रॉफिट एंड द सेम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, सेम गुड रिमेन अनसोल्ड, और उसको अपने ने बैलेंस शीट में एक असेट की तरह से उसको शो करते हैं, तब ये आता है। ओके, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेड बाय द सेलिंग कंपनी, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करो, एलिमिनेट करना है, मतलब उसको उसमें से निकालना है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम पहले क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक कितना है वो फाइंड आउट करेंगे परचेजिंग कंपनी के पास, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है ना वो अपने निकालेंगे, फिर उसको अपने माइनस करेंगे, दो जगह से माइनस होगा, एक तो तुम उसको इन्वेंट्री में से माइनस करोगे और दूसरा तुम उसको माइनस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। कहां से माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करेंगे। अब इसके सम्स अपने देखे, एग्जाम्पल नंबर थ्री पेज नंबर छह के ऊपर देखो, गुड्स टू सब्सिडियरी कंपनी। तो पहला क्या याद रखना है, किसने किसको गुड्स भेजा, राइट? तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को गुड्स बेचे, और वो भी कैसे लिखा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, दिस गुड्स टोटली रिमेन इन द स्टॉक, यानी ये गुड्स अभी भी स्टॉक के अंदर है पूरे के पूरे गुड्स, और होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है सब्सिडियरी कंपनी के अंदर, 9/10 का, सॉरी 3/4 का है, राइट? तो आप देखें, पहले अपने ये चेक करें कि सेल कैसे हो रहा है, वर्किंग किसका है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, इसको अपने यूआरपी बोल, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी क्या, यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब किसने किसको बेचा, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को बेचा, कितने के गुड्स बेचे, 1,20,000 प्लस 10% प्रॉफिट, बराबर, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द प्रॉफिट, 1,20,000 के ऊपर 10%, यानी ये 12,000 का प्रॉफिट आया। अब ये पूरा प्रॉफिट अपने ट्रांसफर करेंगे, कारण क्योंकि ये लिखा है कि पूरा स्टॉक अनसोल्ड है, बराबर, तो इसका मतलब ये 12,000 को हम दो जगह से माइनस करेंगे, उसकी इफेक्ट आएगी इन्वेंट्री में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस होगा, ये दो जगह से माइनस होगा, हो गया ये वर्किंग पूरा, इतना ही वर्किंग है, खाली अपने प्रॉफिट ढूंढेंगे और उस प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब सवाल इसके अंदर एक चीज दी है, ये बताया गया है कि 3/4 का रेशियो, ये हमको तब काम का नहीं है जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को गुड्स बेचेगी, अगर होल्डिंग सब्सिडियरी को गुड्स बेचेगी तो उसको डाउनवर्ड सेल बोलते हैं, यानी ऊपर वाली कंपनी नीचे वाली कंपनी को गुड्स बेच रही है तो उसको अपने डाउनवर्ड सेल बोलेगी, लेकिन अगर इसी में अगर ऐसा लिखा होता कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेच रही है तो उसको अपने अपवर्ड सेल्स बोलेंगे, बराबर, अगर अपवर्ड सेल्स है ना तो सेम प्रॉफिट तो सेम आएगा तुम्हारा, कितना है 1,20,000 के ऊपर 12,000, पर अब यहाँ पे अपने एक वर्किंग बढ़ा देंगे, कौन सा वर्किंग, होल्डिंग रेशियो है ना, इसमें एच कंपनी शेयर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12,000 इंटू 3/4 करूंगा, 3/4 कहाँ से आया, तुमको होल्डिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 3/4,
तो ये कितना आएगा 9000। तो अब मैं करूंगा 9000 को माइनस इन्वेंट्री में से और पीएनएल अकाउंट। तो याद क्या रखना है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को बेचे रहे तो ये वाला वर्किंग आपको नहीं करना, लेकिन अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को बेच रहे तो ये वर्किंग अपने करेंगे, यानी ये वाला वर्किंग आप लोग एक्स्ट्रा करना है, बाकी इतना ही है। ओके, अब मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन के अंदर यानी मेन क्वेश्चन के अंदर इस तरह के कहां पे आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। देखो मेन क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड कॉस्टिंग 8000। 8000 के गुड्स उसने 10000 में बेचे, लेकिन किसने किसके किसको बेचे? एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को। याद रखो ये एमसीक्यू में आएगा, ये इसी तरह का एक एडजस्टमेंट आता है ये, राइट, एमसीक्यू के एग्जाम में। 8000 के गुड्स 10000 के अंदर बेचे, इसमें से 25% गुड्स अनसोल्ड है। कितने गुड्स अनसोल्ड? 25% गुड्स अनसोल्ड है। तो हमको एंट्री कितने की करने की? 25% की हमको एंट्री करने की। देखो कैसे, हाँ ये ऊपर में लिखता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे कि एच लिमिटेड ने, ये लिखना जरूरी है किसने किसको बेचा, और यहाँ लिख देंगे डाउनवर्ड सेल। डाउनवर्ड सेल यानी ये वर्किंग नहीं करना। अब ये डाउनवर्ड सेल कॉस्ट कितनी है? 8000 की। सेल प्राइस कितनी है? 10000 की। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 2000। पर कितना स्टॉक बचा है? 25%। तो इसके ऊपर 25% करेंगे, 25%। ये कितना आया? 500। ये 500 जो है ना, वो तुम इन्वेंट्री में से भी माइनस करोगे और पीएनएल में से भी माइनस। सिंपल वर्क, समझ गए ना? क्लियर? तो सारे वर्किंग तुम्हारे कंप्लीट हुए, यानी मैंने पहला वर्किंग तुमको एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का कराया, दूसरा वर्किंग मैंने कराया तुमको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तीसरा वर्किंग जो हमने किया ने वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, चौथा हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, पांचवा वर्किंग इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का, और ये छठा हुआ तुम्हारा यूआरपी का। अब मैं एक वर्किंग जो इसके अंदर अलग से आता है वो मैं तुमको करा रहा हूँ, एक वर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में तुम सब टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा सम अपने कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं पहले सम रिलेट कर रहा हूँ। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ओके आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 उसमें पांचवा एडजस्टमेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर फिफ्थ एडजस्टमेंट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सुनो ध्यान से, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग एट ₹3 lakh इन वाई लिमिटेड्स बुक वर रीवैल्यूड एट ₹4,50,000, बट नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक्स। ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप में इंक्लूड होगा। अब मैं सेकेंड स्टेप वापिस एक बार रिविजन भी हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पहले अपने क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम रेशियो और होल्डिंग रेशियो इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखिए देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, होल्डिंग रेशियो। देखो कितने शेयर रिक्वायर किए, 12000 शेयर रिक्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे पहले शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड लिखे, क्यू लिमिटेड है यहाँ पे,
सब्सिडियरी कंपनी क्यू लिमिटेड। अब 2 लाख रुपये के शेयर है, 10 से डिवाइड करो तो 20,000 शेयर आएंगे। पी लिमिटेड ने कितने खरीदे, क्यू लिमिटेड के पास कितने, इसने 12,000 शेयर खरीदे। वही सोच रहा था, इसने 7th निकाल दिया। करेक्ट कर लेता हूँ इसको, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड है, एग्जाम्पल 9 है। इसमें एक्स लिमिटेड जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड जो है वो तुम्हारी सब्सिडियरी कंपनी। अब सबसे पहले एचआर यानी होल्डिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड टोटल शेयर्स कितने, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 60,000। अब कितने शेयर खरीदे गए, एक शेयर 100 रुपए का है सॉरी, तो 6,000 शेयर आएंगे। अब इसको अपने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखो एक्स के पास कितने शेयर, वाई के पास कितने, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है असेट साइड पे 4,500 शेयर, तो मैं यहाँ पे 4,500 लिखूंगा और बचे कितने 1,500। ये तुम्हारा होल्डिंग रेशियो आ गया 45:15 या फिर 3:1, बराबर ना, 45:15 या 3:1, ये तुम्हारा एचआर होल्डिंग रेशियो आ गया। अब अपने टाइम रेशियो फाइंड आउट करें। देखो कौन से डेट के ऊपर एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन कौन से डेट के ऊपर है, 9 10 12 12। तो डेट ऑफ एक्विजिशन है इसके अंदर 1 जुलाई यानी 1/7/2022। और अपने देखो प्री एक्विजिशन, याद रखो ये ने 31/12/2022 लिखा है, इसका मतलब 1/1/22 से लेके 30/6/22 तक। और पोस्ट एक्विजिशन 1/7/22 से लेके 31/12/22, तो ये 6 महीने का हुआ टाइम पीरियड। तो टाइम रेशियो कितना आया तुम्हारा, 1:1। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी का, तो कल परसों मैंने समझाया था रेवेन्यू और रेवेन्यू कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर डिवाइड करेंगे। पर्टिकुलर्स ध्यान देना, देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग में बैलेंस कितना है, यानी ओपनिंग बैलेंस, पहले एडजस्टमेंट में लिखा है ओपनिंग बैलेंस लिखा है 1,50,000, उसको सीधा कैपिटल में अपने लिखेंगे, रेवेन्यू में कुछ नहीं आएगा, राइट। अब अपने चेक करें इसके अंदर कि यहाँ पे पीएनएल अकाउंट 2,70,000 है, देखो ओपनिंग कितना है 1,50,000, क्लोजिंग कितना है 2,70,000, तो इसमें जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 1,20,000, बराबर। तो करंट ईयर के प्रॉफिट को अपने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टाइम रेशियो, ये 1,20,000 है, तो यहाँ 60,000 और 60,000 अपने, बराबर ने 60,000 दोनों जगह पे अपने लिखेंगे। ये क्लियर हुआ इतना, अब आगे देखो यहाँ पे एक दूसरी बात लिखी गई है कि तुम्हारा जो 1,80,000 का जनरल रिजर्व है, 1,80,000 का जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व के ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, जनरल रिजर्व के ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या समझ के चलेंगे, देखो ओपनिंग 1,80,000 और क्लोजिंग भी कितना, तो इसका मतलब करंट ईयर का क्या आएगा, अब यहाँ 1,80,000, तो ओपनिंग
जनरल रिजर्व कितना आ गया 1,80,000। ओके अब यहां तक तो अपने कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो है ना अपने रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट को करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, पांचवा एडजस्टमेंट पढ़ो, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग एट ₹3,00,000 इन वाई लिमिटेड्स बुक वर रिवैल्यूड एट ₹4,50,000। यानी ओपनिंग वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3,00,000, ध्यान देना तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस 3,00,000 है, तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया है वो कितना है 2,70,000। देख लो प्लांट एंड मशीनरी में 270 दिया है, इसका मतलब 30,000 जो बीच में गया वो तुम्हारा क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन हुआ बराबर। अब अपने क्या करें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें, कैसे पता चले, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इनटू 100, तो ये 10% आएगा, कितना आएगा ये 10% आएगा बराबर ने, तो 10% क्या आ गया तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जो मेन वर्किंग है ना वो किस तरह से, पहले 1/12 को तुम्हारी बुक सॉरी 22 को बुक वैल्यू कितनी थी 3,00,000, 1/7/22 तक डेप्रिसिएशन, कब तक 1/7/22 तक का डेप्रिसिएशन, यानी जब तुमने बिजनेस को खरीदा ने तब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब 3,00,000 के ऊपर 10% इनटू 6/12 तो ये आएगा तुम्हारा 15,000, माइनस किया तो 2,85,000 आया, ये तुम्हारी उस दिन की बुक वैल्यू बराबर। लेकिन अब नई वैल्यू कितनी हो गई, न्यू वैल्यू कितनी हो गई 4,50,000 हो गई, तो इसको माइनस करो आंसर क्या आता है 1,65,000। ये क्या हो गया तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट, इसको सीधा यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बराबर रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आया। अब हमको यहाँ पे इतना तो समझ में आ जाएगी सिंपल, पर अब जो मेन पार्ट है ना वो तुम्हारा अब शुरू होता है कि इसके अंदर अपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी, तो ओल्ड डेप्रिसिएशन और न्यू डेप्रिसिएशन में फर्क कितना, देखो ओल्ड डेप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग पीरियड यानी 1/7/22 से लेके 6 तक, यानी 31/12/2022 तक बाकी के टाइम पीरियड का, तो पुराना डेप्रिसिएशन कितना है 3,00,000 पे 10% और कितना टाइम बचा है 6 महीने, तो कितना हुआ तुम्हारा 15,000। और नया डेप्रिसिएशन अब तो 4,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना पड़ेगा वो भी 10% इंटू 6/12, ये कितना आएगा 225,000। तो अगर इसको माइनस करूंगा तो 7,500 आया। अब डेप्रिसिएशन पहले कम था, अब इंक्रीज हुआ तो तुम्हारा लॉस हुआ बराबर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं रेवेन्यू लॉस, क्योंकि ये देखो पहले के टाइम पीरियड का नहीं है बाद के टाइम पीरियड का है, तो डेप्रिसिएशन 7,500 सिर्फ यहाँ पे लिखा जाए, ये तुम्हारा वर्किंग पूरा खत्म। ये वर्किंग आने के साथ में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट होने के साथ में तुम्हारे वर्किंग में ये चेंज आ जाता है, यानी तुमको कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है या कैपिटल लॉस हो सकता है, या रेवेन्यू अगर कैपिटल लॉस हुआ ने तो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा उल्टा, और कैपिटल प्रॉफिट हुआ ने तो रेवेन्यू लॉस होगा, तो एक प्लस में आएगी फिगर और एक माइनस में आएगी फिगर। अब 60,000 में से 7,500 को माइनस करो कितना आएगा, और ये माइनस किए प्लस करो सबको बराबर ने, ये आ गया आंसर। उसके बाद अपने इन दोनों को डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, होल्डिंग रेशियो भी, तो देखो 5,55,000 इंटू 3/4 करो 4,16,250 और 5,000 इंटू 1/4 करो 7,50,000
इसी तरह से 52,500 इनटू 3/4 करो, 39375 और इनटू 1/4 करो, 1312 बराबर। अब अपने ये जानते हैं ये कहाँ पे आएगा, सीओसी, ये आएगा तुम्हारा माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट और ये पीएल बैलेंस शीट, बराबर ना। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में अपने इसको प्लस करेंगे। ये वाला वर्किंग वापिस समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन का रेट होना चाहिए, रेट नहीं है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू लिखी अंदर कि 3 लाख तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन बैलेंस शीट में लिखा है 2,70,000, इसका मतलब जो डिफरेंस 30,000 है वो पूरे साल का तुम्हारा डेप्रिसिएशन, तो उसके ऊपर से अपने रेट निकाला कि 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लेकिन टू 100 करेंगे तो 10% तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया। अब हम क्या करेंगे, पहले 1/1/2022 को इसी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 3 लाख थी, तो जब रिवैल्यूएशन किया ने तब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब 1 साल तक का डेप्रिसिएशन निकाला, तो 3 लाख पे 10% 6/12 करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 माइनस करो 2,85,000 आया। अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 4,50,000 वैल्यू बढ़ी, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया ने वो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट वो सीधा आपने यहाँ पे लिख देंगे, राइट उसके बाद में डेप्रिसिएशन पुराना और नया दोनों की इफेक्ट आपने देख ली है, तो बाकी के पार्ट का, अभी तक का नहीं, अभी तक के बाद के पार्ट का, यानी मतलब 1 साल से लेके 31 दिसंबर तक का, तो वो डेप्रिसिएशन 3 लाख के ऊपर 10% 6/12 करो तो 15,000 आएगा, और 4,50,000 के ऊपर 10% 6/12 करो तो 22,500। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7,500 आया, ये जो 7,500 है ये प्रॉफिट, तो ये वाला क्या आएगा, हमेशा लॉस, बराबर। इनको टोटल किया फिर वापिस वही पुराना जो होल्डिंग रेशियो और सब्सिडियरी रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करते हैं वैसा ही, ओके क्लियर। ये लास्ट सबसे बड़ा वर्किंग यही होता है, इसके इससे ज्यादा बड़ा वर्किंग कोई नहीं होगा।